नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक तरफ जहां देश में कुछ चुनिंदा लोग नफरत की आग फैलाने से बाज नहीं आते, तो वहीं बिजनौर का आरिस पिछले कई सालों से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों के लिए अपने हाथों से कावड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश कर रहा है। देखिए बिजनौर से खास रिपोर्ट। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है, ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिस पिछले कई सालों से कावड़ बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। ये है बिजनौर का आरिस कारीगर जो पुश्तैनी कावड़ बनाते आ रहा है। महीन व धारदार औजार के जरिए आरिस का परिवार हापुड़ से कच्चा माल लाते हैं। लकड़ी के बॉक्स को पहले कारीगर सुखाते हैं ताकि कावड़ का वजन हल्का रहे, ताकि शिव भक्तों को कावड़ को कांधे से उठाने में परेशानी न हो। वैसे ही कावड़ में 1.5 से 2 किलो का ही वजन होता है। मुस्लिम कारीगर की माने तो इन्हें त्योहार आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कावड़ को बनाने के लिए रोजाना 10 से 12 कारीगर कावड़ बनाते हैं। दिन भर में 15 से 20 कावड़ बन जाते हैं। एक कावड़ को बनाने में कारीगर को 150-200 रुपए की लागत आती है, जिसे कारीगर 350 से 400 रुपए में आसानी से बेच देते हैं। एक सीजन में 500 से ज्यादा कावड़ बेच देते हैं। बिजनौर के नजीबाबाद व उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनी कावड़ सप्लाई की जाती है। काम करते हैं। क्या मटेरियल होता है, क्या क्या लगाते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? ये आपूर्ण से हम माल आता है। ये काफ़ी तरीके का इसमें मटेरियल लगता है, हम तैयार करते हैं इसको। क्या कुछ परेशानी भी आती है तैयार करने में? जी वैसे काफ़ी परेशानी आती है, बहुत मेहनत से होता है। परेशानी ना हो, उसका जो वेट है, वजन है कावड़ का, वो कम हो, इसके लिए क्या उपाय आप तरीके अपनाते हैं? बहुत टाइम से पहले से ही हम इसे सुखाना चालू कर देते हैं, तो ताकि इसका वजन कम हो जाए, इसलिए किसी बात की दिक्कत ना आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज़। नमस्कार।